नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला के बयान पर सियासी भूचाल मचा है। चुनावी सभा में बोले, अगर हमारे गठबंधन की जीत हुई तो कश्मीर में अलग प्रधानमंत्री बनाने की कोशिश करेंगे। उमर अब्दुल्ला के बयान पर प्रधानमंत्री मोदी का हमला, दो प्रधानमंत्री को लेकर कांग्रेस और महागठबंधन के सहयोगी से पूछा सवाल, कहा यह कहने की हिम्मत कैसे हुई। वर्धा की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस और एनसीपी को हिंदुत्व के मुद्दे पर घेरा, कहा कांग्रेस ने हिंदू आतंकवाद शब्द के जरिए देश के करोड़ों हिंदुओं का अपमान किया। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का प्रधानमंत्री मोदी पर हमला, देश में नफरत फैलाने का लगाया आरोप, प्रधानमंत्री मोदी को आतंकवाद के मुद्दे पर बहस कर चुनौती दी। प्रधानमंत्री मोदी की आज बिहार के दंगल में होगी एंट्री, जमई और गया में आज जनसभा को करेंगे संबोधित, साथ ही ओडिशा के कालाहांडी में भी चुनाव प्रचार करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आज तमिलनाडु चुनावी रैली को करेंगे संबोधित, साथ ही बेंगलोर के बंदसकई से जेपी रोड तक करेंगे रोड शो। राहुल गांधी का बड़ा ऐलान, कहा गठबंधन चुनाव के बाद भी हो सकता है, पहली प्रायोरिटी बीजेपी को हराना। वायनाड में राहुल गांधी के खिलाफ तुषार वेल्लापल्ली होंगे एनडीए के उम्मीदवार, भारत गर्व जनसेना के अध्यक्ष है तुषार। 4 अप्रैल को राहुल गांधी वायनाड से नामांकन भरेंगे। कांग्रेस आज अपना चुनावी मैनिफेस्टो जारी करेंगी, राहुल गांधी आज अपने कांग्रेस मुख्यालय से चुनावी मैनिफेस्टो को करेंगे रिलीज, सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह समेत कई वरिष्ठ नेता होंगे शामिल। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए 9 उम्मीदवारों की एक सूची जारी की, राजस्थान के 6, महाराष्ट्र के 2 और गुजरात के 1 उम्मीदवार का नाम शामिल। पाकिस्तान के F-16 विमानों ने फिर भारत में घुसने की कोशिश की, पंजाब के खेमकरण बॉर्डर के पास भारतीय विमान मिराज और सुखोई ने खदेड़ा। फेसबुक ने पाकिस्तानी आर्मी और उसके समर्थन में चलने वाले 103 पेजेस और अकाउंट्स को डिलीट किया, सोशल मीडिया के जरिए फैलाई जा रही थी झूठी खबरें। फेसबुक ने कांग्रेस के झूठ का किया पर्दाफाश, फेसबुक पर बनाए गए कांग्रेस के 687 पेज और अकाउंट्स को डिलीट किया। रविशंकर प्रसाद बोले, नकली अकाउंट्स के जरिए मोदी सरकार के खिलाफ फैलाया जा रहा था झूठ। बॉर्डर पर पाकिस्तान की फायरिंग आज भी जारी, बलोनी सेक्टर में एक महिला की मौत, पुंछ के सापोर सेक्टर में एक बीएसएफ के पुलिस इंस्पेक्टर के साथ एक मासूम बच्ची की मौत, अब तक इस फायरिंग में 5 जवान समेत 13 लोग घायल। बनिहाल कार ब्लास्ट का आरोपी गिरफ्तार, आरोपी ओसिस अमीन से पुलिस ने की पूछताछ, आरोपी ने जुर्म को कबूला, कहा मसूद अजहर ने कहा था बटन दबा देना। गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ हार्दिक पटेल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, सजा में निलंबन की मांग की, दंगा मामले में फैसले की वजह से हार्दिक पटेल नामांकन नहीं कर पाए थे। लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने लालू राबड़ी मोर्चा बनाकर चुनाव लड़ने का किया ऐलान, शिवहर और सारण समेत 20 सीटों से उतारेंगे उम्मीदवार। मुंबई फुटओवर ब्रिज हादसा में पुलिस ने असिस्टेंट इंजीनियर को किया गिरफ्तार, इंजीनियर ने करवाया था ब्रिज मरम्मत का काम। आईपीएल में आज राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच होगी टक्कर, आईपीएल के कल के मैच में किंग्स 11 पंजाब ने दिल्ली कैपिटल्स को 14 रन से हराया था।